गेम शो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब के मनाशन प्यारे दोस्तों प्यारे दर्शकों आप जी का निघा स्वागत। जस कैमरे की नज़र तुसी देखना शुरू कर चुके हैगे आ। सब तो पहला तो सारिआं नूं अज 5 जुलाई हैगी आ और कल सी 4 जुलाई। बहुत बड़ा दिन, सारिआं नूं 4 जुलाई की बहुत बहुत मुबारकबाद होवे। इस तो पहला कि आप सारिआं कोई भी अपनी कहानियां शुरू करिए, पहला आप तुहानूं छोटी जिही झलक दिखाउंदे हैगे आ कि जदों 4 जुलाई का फायरवर्क हो रहा सीगा मैनहैटन साढ़े स्टूडियो की छत तो किहोजा विखदा सीगा और उहदे नाल दी नाल ही तुहानूं लैके चलूँगा वाशिंगटन डीसी मैट्रोपोलिटन एरिया दे विच। जी हाँ, मनासस वर्जीनिया पार्क दे विच ही 4 जुलाई के पटाके छड़े गए और लोगों ने खुशी नाल आज़ादी मनाई। ये छोटा जिहा चीज़ तुहाडे लई। हाँ जी, किदा लग्या फिर 4 जुलाई? आप जिदा वैसे दिवाली के उत्ते बड़े पटाके बजते हैं और कोविड की समाप्ति तो बाद लोकी कल यानी कहना मतलब कि एन उत्साह दे नाल घरों बाहर निकल के आए थे तो उन्होंने अपने अपनी जगह के उत्ते इस 4 जुलाई नूं सैलीब्रेट किया। अपना अपना ढंग हैगा आ, वो ज़्यादातर लोग जिहड़े हैगे आ वह बारबीक्यू करते हैं, फिर बस सारा कुछ चलता हैगा लस्सी पानी। और अज दी कहानियों के सब तो पहला तो जो आप पिछली बार भी गल की सी कि 11 जुलाई आ रही हैगी है, 11 जुलाई नूं श्री गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश दिवस मनाया जा रहा। श्री गुरु रविदास महाराज जी का जिहड़ा कि वैसे तो फरवरी के हुंदा है मगर साढ़े इत्थे जिहड़ा जैक्सन हाइट उन्होंने कह लो बुड साइड कह लो ब्रॉडवे कह लो श्री गुरु रविदास टैंपल हैगा तो वह 11 जुलाई में यह गुरु महाराज का 644वां प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैगे आ। और जस पंजाबी ते असीं लाइव भी दिखावांगे पर 29 जून में 11 श्री अखंड पाठ साहब का प्रारंभ किया गया। उस मौके पर मैं पहली बार वेखिया क्योंकि हर साल मैंने जाने का मौका मिलता हैगा कि की बुज़ुर्ग की बच्चे ते की बीबियां सारिआं दे मन च उत्साह सीगा कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा आप करनी हैगी आ। ते आओ वेखदे आ ये नज़ारा। ओए सोन पे
सोचा सोच न हुए जे सोची लखवार चुपै चुप न हुए जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाण पालक हुए त एक न चले नाल क्यों सचया रह हुई है क्यों कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन पार न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै वड्याई हुक्मी तुम ही हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शी से हुक्मी सदा गवाई है हुक्म अंदर सब को बार ना कोई नान हुक्म जे उजर ता मैं कहे ना कोई गावे को तान हुवे किसे तान गावे को दा त्याने निशान गावे को मिले अंजार गावे को विद्या विधम विचार गावे को सार करे तन के गावे को जी रह कर दे गावे को जापे किसे दूर बड़े भागी हो जो के आज संत गुरुदास महाराज की रहमत सदका धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी के अपार कृपा हुई उन्होंने COVID-19 का जो कि अपना गुरपुरब तकरीबन जो आना है उस हफ्ते रखी है जो भी समय के लापन मुताबक हों गया उसको फॉलो करते गए मैं समुची संगत का जो अज 694 प्रकाश पर्व की रवाना हुई है 11 जुलाई दिन ऐतवार को महान कीर्तन सजेंगे गुरु प्यारी साहब संगत जी क्रांतिकारी ज्योत मानवता दे राखे जगत पितामा तन तन श्री गुरु रविदास जी महाराज जी दे 644वें प्रकाश पर्व दिया सारी कायनात नु लख लख बधाइयां हो मैं एक बार फिर दसदा कि 11 जुलाई नु
ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਬਰਾਡਵੇ 61-01 ਬਰਾਡਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਵਿਖਾਈਏ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ IP ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਏ ਸ਼ਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਬਕੈਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ NRI ਵੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਵੈਬ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੇਨ ਪਤਵੰਤੇ ਲੀਡਰ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ ਜੀ ਦੀ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਨਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਟੂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਾਗਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ NCIA ਦੇ ਪਵਨ ਬੇਜਵਾੜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,
एक किसाना दी मूवमेंट है। 26 जून 2020 एक रूल होर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने पास किया सी। आई वाज विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट लॉन्ग बैक। उस उन्हें यह पास किया कि सारे जिन्हें भी हाईवेज है ने उस पूरे हाईवे दोनों तरफ बैरीकेड लगाओ एंड दैट लॉ वॉज ऑलरेडी पास। तो हूँ वो की होएगा कि जिन्हें भी बैरीकेड लगे ने सारे ढाबे बंद हो जाएंगे। जो साढ़े वीर किसान उत्थे लड़ाई साड़ी लड़ रहे हैं असी उन्होंने बैक पर खड़े हो के उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी संयुक्त किसान मोर्चे की हेल्प वास्ते इकट्ठे होने होना चाहिए भी है। अगर आर एम लोगों की सपोर्ट पिछों सू पूरी देव की समर्था का बख्शी है तो उत्थे वाला मोर्चा कद फिर नहीं हो सकता। जिहड़े बंदे ने अपने किसान ने मतलब शहादत दिया उन्होंने उन्होंने भी तो उन्होंने बारे भी सोचना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे के हक में ये बड़ा शॉर्ट नोटिस सीगा जिदे तो सारे ने बड़ा शिद्दत नाल पहरा दिता है। असी अज इकट्ठे हुए पहली बार असी 10 बंदे गए सी Part of this initiative. Government is not bothering of interfering. So let us fight the martyrs and let us be with them. Thank you. मैं दसना चाहना मैं थोड़े 4-5 मंथ पहले ही इंडिया तो आया ते असी मैं एयरपोर्ट वाल तो आ रहा सीगा ते असी रुके आ उत्थे उन्होंने पुलिस वाले ने रोक लिया कि हाँ भाई तुसी मोर्चे दे विच जा रहे हैं ते तुसी गड्डी वगैरह ते झंडे वगैरह नहीं ला के जा सकते। ये साथियों का अहम योगदान रहा है। 30 नवंबर को वो किसानों के समर्थन में एक वेबिनार करने के लिए जा रहे हैं। आई वुड वांट टू थैंक पीपल फ्रॉम वॉशिंगटन मैरीलैंड एंड यूएसए। आप लोग जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन किसान आंदोलन में कर रहे हैं इट विल बी रिमेम्बर्ड बाय अस। आपके अति आभारी हैं जो आप इस तरह से वेबिनार करके और लोगों में जागृति पैदा करते हो, हिंदुस्तान की बात पूरी दुनिया में फैला रहे हो। आपके अति आभारी हैं, अति धन्यवादी हैं। जहाँ तक हमारे आंदोलन का सवाल है, कल 7 महीने पूरे हो गए हैं और इन 7 महीनों में हजारों किसानों को लाठियां लग चुकी हैं, हजारों किसानों के सिर फूट चुके हैं, हजारों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और करीब 525 हमारे किसान इन धरनों पे बैठे शहीद हो गए। तो इतने लंबे समय में जो हम देख रहे हैं, हमारी जिंदगी का भी सबसे पहला आंदोलन है और जो इतने लंबे टाइम तक चला और उसके बावजूद भी किसानों का सबर जो है वो डोल नहीं रहा है। बड़े सबर से, बड़े इत्मीनान से दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। तुसी देखा कि किन्नियां नज़दीकियां हो गई, पहला चिट्ठियां होंदियां सीगियां, चिट्ठियां तो बाद फिर सैलफोन ते सिर्फ वॉयस होंदे सीगे, उस तो बाद हुण वैब आ गया, उस तो बाद कोई भी तुसी मान लो कि फेस टाइम के उत्ते अपने घर दे नूं, हुण तां इदां लगदा कि आपां लागों लाग ही गल करते हैं जिदा कि तुम मैंने लागों लागी अपने घर देख रहे हैं। तुहाडे भी कोई स्टोरियां हो तो तुसीं सानूं स्टोरियां भेज सकते हैं, असी बड़ा फख्र महसूस करांगे तुहाडियां स्टोरियां अपने जस्ट कैमरे की नज़र प्रोग्राम विच दिखा के, क्योंकि जस्ट कैमरे नज़र प्रोग्राम एक मैं नहीं कहता कि बहुत स्पैशल प्रोग्राम है। जस्ट पंजाबी दे उत्ते हर एक प्रोग्राम की अपनी एक अहमियत है, हरेक दे पसंदीदे प्रोग्राम हैगे आ, चाहे वह मुद्दे का प्रोग्राम हैगा जां न्यूज़ का प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम उहदे विच ही इह जस्ट कैमरे की नज़र हर सोमवार शाम को 7 बजे प्रोग्राम दीपक दिमाग लैके थोड़े लिए आता है। वो असी छोटी-छोटियां स्टोरियां साड़ियां जथेबंदियां जां मान लो साडे कम्यूनिटी के लोग कित्थे की कर रहे हो तुहानूं विखाउण दे आपां उपराला करदे हैगे आ। तुसीं अपनी स्टोरियां भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com जां deepak@justbroadcasting.com। अमेरिकन्स नूं आज़ादी मुबारक 4 जुलाई की,
आप सबनों बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम प्रोग्राम देखते हैं आप वेखते रहो तो अपना जस टीवी दो इजाजत रब रखा।